When Solar teaser release. When Solar postponed. सलार अब पोस्टपोन हो गई है और अब ये सितंबर 28 को नहीं नवंबर 3 या 26 को जाके आने वाला है। ये बात सुनने के बाद तो भाई हमें भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इसका टीजर आ चुका था, ट्रेलर आने वाला था और सबसे बड़ी बात बाहर इसका एडवांस बुकिंग स्टार्ट भी हो गया था। तो ऐसे में कोई आकर बोले कि सलार पोस्टपोन हो गया है तो कैसे यकीन होगा बताओ। पर फिर जब बड़े बड़े दिग्गज इनसाइडर बोलने लगे, बुक माई शो वाले, विकिपीडिया वाले भी इसका रिलीज डेट को चेंज करने लगे कि ये अब सितंबर में नहीं नवंबर में जाके आने वाला है, तो हमें धीरे धीरे यकीन हो गया कि ये अब टाइम पर नहीं आएगा, इसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। तो हमने सोचा ठीक है, इतने दिन से तो इंतजार कर ही रहे थे, थोड़ा और इंतजार कर लेंगे, क्या हो गया। पर फिर हमने देखा कुछ फिल्मी भाई इसे लेकर दुखी हो रहे हैं, कुछ फिल्मी भाई इसे लेकर मजाक उड़ा रहे हैं और बोल रहे कि देखो ये जवान से डर गया इसीलिए पोस्टपोन कर दिया। आदि पुरुष के टाइम भी ये ऐसा ही किए थे, पठान के डर से पोस्टपोन कर दिए थे। तो हमने सोचा ऐसी बात है, हमें तो पता ही नहीं है, फिर तो इसके बारे में भाई जानना पड़ेगा। और जब हमने इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला पोस्टपोन की वजह जवान का डर नहीं, पोस्ट प्रोडक्शन में टाइम की कमी है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि 2 दिसंबर 2020 को इसका अनाउंसमेंट किया था, आज से 2 साल 9 महीना 3 दिन पहले। 15 जनवरी 2021 को इसका शूटिंग स्टार्ट किया था, आज से 2 साल 7 महीना 21 दिन पहले। बोले तो इसका अनाउंसमेंट और शूटिंग से लेकर आज तक लगभग 3 साल होने को आ रहा है, पर इतना समय भी इन्हें कम पड़ रहा है जो ये पोस्ट प्रोडक्शन का काम को पूरा नहीं कर पा रहे। तो भाई देखो हाँ ये भी सही है, काफी दिनों से इसके ऊपर काम चल रहा है, पर क्या करे, प्रभास अब एक बहुत बिजी एक्टर बन चुके हैं। वो एक साथ मल्टीपल मूवी का शूटिंग कर रहे थे, सलार का, प्रोजेक्ट के का और राजा डिलक्स का, तो उनके पास टाइम ही नहीं था। कभी वो सलार का सेट पर चले जाते थे, कभी प्रोजेक्ट के का सेट पर, तो कभी राजा डिलक्स के सेट पर। फिर इसी बीच इनका नी इंजरी का प्रॉब्लम हुआ, ऊपर से इनका दो मूवी को भी रिलीज करना था, राधेश्याम और आदि पुरुष, तो समझ सकते हो वो टाइम कैसे मैनेज कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। इसीलिए टाइम कम पड़ गया और प्रोडक्शन में ही टाइम चला गया, पोस्ट प्रोडक्शन के लिए ठीक से टाइम नहीं मिला। तो वो टाइम पर मूवी को रिलीज करने को जाके पोस्ट प्रोडक्शन का काम जल्दी जल्दी खत्म करना नहीं चाहते, इसीलिए अच्छे से प्रॉपरली पोस्ट प्रोडक्शन का काम खत्म करके मूवी को लाना चाहते हैं ताकि ऑडियंस को भी मजा आए। हाँ लेकिन यहाँ से फिर से एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है कि अगर उन्हें पता था प्रोडक्शन में ज्यादा टाइम चला गया, पोस्ट प्रोडक्शन के लिए टाइम काफी नहीं होगा, तो वो पहले से क्यों नहीं बताए, टीजर क्यों लाए, बाहर एडवांस बुकिंग क्यों स्टार्ट किए, और सबसे बड़ी बात अब जवान का ट्रेलर निकलते ही ये पोस्टपोन का डिसीजन क्यों लिए। अब देखो भाई ये बात तो किसी को नहीं पता, वो तो प्रोडक्शन हाउस या प्रशांत नील ही बता सकते हैं, पर हमें ऐसा लगता है वो सच में इसे और बेहतर बनाने के लिए टाइम ले रहे हैं, जैसे कि जवान ने भी टाइम लिया था। इसे भी तो पहले जून में आना था ना भाई, क्यों पोस्टपोन किया, क्योंकि टाइम पर काम पूरा नहीं हो पाया। और अब जब अच्छे से टाइम लेके इसका काम को पूरा किया गया तो रिजल्ट देख सकते हो। शायद ही कोई होगा जो जवान का टीजर ट्रेलर से खुश नहीं होगा, नहीं तो ज्यादातर क्या 99% ऑडियंस जवान का टीजर ट्रेलर देखकर खुश है और मूवी के लिए एक्साइटेड भी है। ऐसे ही प्रशांत वर्मा के हनुमान को देख लो, वो भी टीजर रिलीज कर चुके थे, पर वो ऑडियंस का रिस्पांस देखकर, हनुमान को लेकर सबका एक्साइटमेंट देखकर उसे और बेहतर बनाना चाहे और पोस्टपोन करके न्यू रिलीज डेट बताते टाइम बोले कि मैंने इस फिल्म के लिए अपने जीवन के 2 साल दिए हैं, तो आपको इसका बेस्ट वर्जन देने के लिए और 6 महीना क्यों नहीं। ये भी सही है, इतना ज्यादा टाइम देकर प्रोडक्शन का काम खत्म किया है तो पोस्ट प्रोडक्शन में कंजूसी क्यों। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। एनिमल को भी देख लो, प्री टीजर ला चुके थे और टीजर लाने वाले थे पर पोस्टपोन कर दिए, क्यों, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन का काम पूरा नहीं हो पाया। तो ठीक यही बात सलार पर भी लागू होता है। प्रशांत नील इसके प्रोडक्शन के ऊपर 2-3 सालों से जितना मेहनत किए है, शायद वो नहीं चाहते कि टाइम का कमी की वजह से पोस्ट प्रोडक्शन का काम को जल्दी जल्दी निपटाया जाए और आधा अधूरा काम पूरा करके उसे ऑडियंस के सामने लाया जाए, फिर तो उनका वो सारी सालों का मेहनत बेकार चला जाएगा ना भाई, शायद इसीलिए भाई लोग चिंता छोड़कर थोड़ा वेट कर लेते हैं। सब सही होगा, इस बार निराशा नहीं मिलेगा, प्रशांत नील के ऊपर भरोसा है भाई, वो सब संभाल लेंगे। देखना डायनासोर आएगा और इस बार बॉक्स ऑफिस में बवाल मचाएगा। बाकी अगर बात करें पोस्टपोन का ऑफिशियल अनाउंसमेंट की, तो भाई प्रोडक्शन हाउस के बारे में कुछ कह नहीं सकते, सलार के साथ होम वाली फिल्म ये पहले भी कर चुका है। असल में पहले ये फिल्म 14 अप्रैल 2022 को आना था पर पोस्टपोन हो गया, कारण है कोरोना की वजह से KGF 2 अपने डेट पर नहीं आ पाया तो उसे सलार की डेट पर आना पड़ा। तब भी होम वाली फिल्म अनाउंस करके नहीं बोले थे कि सलार पोस्टपोन होने वाला है, बस वो KGF 2 का रिलीज डेट अनाउंस कर दिए, बाकी ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिए, ये बोल के कि उस डेट को हम KGF 2 को ला रहे हैं और सलार के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो खुद ब खुद समझ जाओ सलार का क्या होने वाला है, मतलब वो सलार पोस्टपोन होने वाला है ये
बताया ही नहीं। सलार के डेट आकर उस डेट पर KGF 2 रिलीज हो गया, कुछ बताया ही नहीं। फिर KGF 2 रिलीज होकर 4 महीना बीतने के बाद 15 अगस्त आने के बाद जाके एक ऑफिशियल पोस्टर के साथ बताया कि सलार अब अगले साल 28 सितंबर को आने वाला है। तो क्या पता इस बार भी कुछ ऐसा ही हो, पोस्टपोन के बारे में कुछ बताएंगे नहीं, सीधा अगला रिलीज डेट देंगे। होमबली फिल्म भाई, ये लाल मिर्च की तरह बहुत तड़पाते हैं पर माल भी कड़क लाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वो क्या करेंगे, सीधा अगला रिलीज डेट की अनाउंस करेंगे या सिर्फ पोस्टपोन का अनाउंसमेंट करके रिलीज डेट के लिए हमें फिर से तड़पाएंगे। खैर तो भाई, ये था सलार का पोस्टपोन को लेकर कुछ बातें जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आपको इसके ऊपर कुछ कहना हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हो। इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।